मैं फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर, नेशनल प्रेसिडेंट, IMA वॉरियर्स, फाउंडर ऑफ IMA न्यूज डिजिटल। दोस्तों, कल मैंने दो तीन वीडियोस जो है रिलीज किए थे और उसमें मैंने जो है कुछ आपको खुलासा किया था कि IMA के इन्वेस्टरों के लिए मदद करने के लिए कौन कौन आगे आया था। और कल के वीडियो में मैंने जो है यूटी खादर का नाम लिया था, कांग्रेस के रमेश कुमार जी का नाम लिया था और रिजवान अरशद जी जो शिवाजी नगर हल्के के MLA हैं उनका नाम लिया था। उस वीडियो के रिलीज करने के बाद मुझे जो है MB पाटिल साहब जो कांग्रेस के लीडर हैं और जमीर अहमद खान साहब जो चामराजपेट के MLA हैं, इन दोनों के फॉलोअर्स मुझे व्हाट्सएप में जो है मैसेजेस करके जो है सवाल कर रहे हैं कि क्यों आप भूल गए हैं फरहान रशीद, क्यों आप सिर्फ एक तरफ बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि इवन जमीर अहमद खान साहब ने भी IMA के इन्वेस्टरों के लिए आवाज उठाई थी और उस टाइम पे जो SIT फॉर्म हुई थी वहां पे जो है जमीर अहमद खान साहब भी जो है वो भी मौजूद थे और MB पाटिल जो होम मिनिस्टर हैं थे उस समय जब JDS और कांग्रेस की कोएलिशन गवर्नमेंट थी, उनकी बारे में क्यों आपने नहीं बताया। तो मैं माफी चाहता हूं, हो सकता है कि मेरे से यहां पे गलती हो गई है, ये तस्वीर मेरे पास नहीं थी लेकिन आपने प्रूफ दिया है तो मैं इसको जो है मैंने कोई यहाँ पे किसी वन साइडेड बात नहीं कही थी। हाँ, बात यह कि हो सकता है कि मेरे से यहाँ पे चूक हो गई है, लेटर जो इशू किया था उसकी तस्वीर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रही है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, गलत फहमी दूर हो गई है कि कांग्रेस के लीडरांस जो थे उनकी तस्वीरें यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, जिसमें MB पाटिल साहब भी मौजूद है, जमीर अहमद खान साहब भी मौजूद है और रिजवान अरशद साहब भी जो है मौजूद हैं। तो इन तीनों ने भी जो है बराबर का जो है मैं हमारा साथ दिया है IMA के इन्वेस्टरों का। और ये मैं आपको जो है इसकी फेसबुक की जो लिंक है वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखिए, ये फेसबुक की ये तस्वीर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेट श्री MB पाटिल होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका रिगार्डिंग taking a stern action against IMA jewels on behalf of victims in the supervision of cabinet minister BZ Zameer Ahmed Khan, MLA Shri N.A. Harris, N.A. Harris sahab bhi hain, MLC janab Nazir Ahmed, MLC janab Abdul Jabbar, MLC janab Rizwan Arshad and others were present। तो यहाँ पे जो है नाम मौजूद हैं, तो इन लोगों का जो है नाम मैंने लेना जो है लिया नहीं था कल के वीडियोस में, ये नाम भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। यहाँ पे क्लियर कट है, रिजवान अरशद, BZ जमीर अहमद खान, NA हैरिस, जनाब नजीर अहमद, जनाब अब्दुल जब्बार, जनाब रिजवान अरशद एंड अदर्स वर आल्सो प्रेजेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे NA हैरिस साहब हैं, यहाँ पे BZ जमीर अहमद खान साहब हैं, यहाँ पे रिजवान अरशद हैं, यहाँ पे MB पाटिल साहब हैं, यहाँ पे और एक नसीम अहमद साहब हैं कांग्रेस के। तो ये तमाम लीडरान जो है ये कांग्रेस के हैं। इतना ही नहीं है, यहाँ पे ये देखिए, ये जमीर अहमद खान साहब की जो है उनकी फेसबुक की पोस्ट है, 11 जून, उन्होंने भी जो है फेसबुक में डाला था, मेट एंड गेव सबमिशन टू होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका श्री MB पाटिल जी रिगार्डिंग टेकिंग स्टर्न एक्शन अगेंस्ट IMA ज्वेल्स ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम्स इन सुपरविजन ऑफ मी along with जनाब NA हैरिस, जनाब नसीर अहमद, जनाब अब्दुल जब्बार, MLC जनाब रिजवान अरशद। तो ये मेरे से छोटी सी गलती हो गई है, तो इन लोगों के नाम मुझे लेना चाहिए था। इन लोगों ने भी IMA के इन्वेस्टरों के लिए खूब जो है मदद की है, इन लोगों का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं। ये जानबूझ के तो मैंने कोई वीडियो नहीं रिलीज की थी, जो मेरे पास जो फोटोज थे और मेरे पास जो वीडियोस थे और उसके हिसाब से मैंने रिलीज किया था। खैर, अभी जो है यहाँ पे एक और एक चीज जो है, यहाँ पे NA हैरिस साहब का नाम भी जो है वो भी हमें इंक्लूड करना है, जो मुझसे चूक हो गई है।
वरना जो है उनका भी जो है उनके भी फॉलोअर्स जो है मेरे पास जो है सवाल करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है, मैं सबके लिए हूँ, तो वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, राइट। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये वीडियो को प्लीज वायरल करने में मेरी मदद करिए, और इन लोगों का शुक्रिया अदा करिए कमेंट बॉक्स में। और इस यूट्यूब चैनल आई एम न्यूज डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर।